हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि दिसंबर से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी कैसे करूं। ठीक है, आपके पास अभी भी समय है, आप लोग दिसंबर से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी कर सकते हो। जो छात्र अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मैं आप लोगों को गारंटी के साथ 90% तो आप लोगों का मार्क्स आ ही जाएगा। आज का ये वीडियो अंत तक जरूर देखना, वरना आप लोग बाद में बहुत ही पछताओगे और आपका भी 5% मार्क्स पक्का आएगा। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप दिसंबर से जैसा मैं बताऊंगा ऐसे अगर आप तैयारी करोगे तो आप लोग बोर्ड एग्जाम का टॉपर जरूर बनोगे। तो आज की इस वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, ठीक है। और उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। अगर जीत हो जीतने की तो हार भी आपको हरा नहीं सकती। अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता तो आज का यह वीडियो देखने के बाद आप भी पढ़ाई के लिए एकदम से तैयार हो जाओगे और आपका भी टारगेट 90% हो जाएगा। आप भी दिन रात पढ़ना शुरू कर दोगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपके अंदर जिद है, बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनने का जिद है, बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने का जिद है, तो आपको कोई भी ठोकरे नहीं गिरा सकती हैं, ठीक है। आपको कोई भी ठोकरे नहीं गिरा सकती हैं, आप बोर्ड एग्जाम का टॉपर भी बनोगे और आपका बोर्ड एग्जाम में 90% मार्क्स भी आएगा, ठीक है। तो आपको तैयारी कैसे करना है दिसंबर से, आज की इस वीडियो में अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप दिसंबर से आप लोग अच्छे से तैयारी कैसे करोगे। अब आपके पास समय नहीं है, अगर अब भी नहीं पढ़ोगे तो आप कभी नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। देखो, अब आपके पास सबसे पहले यह समझो कि बोर्ड एग्जाम 2023 जो आप लोगों का है, बोर्ड एग्जाम 2023 का आप लोगों का अप्रैल से, ठीक है, अप्रैल से आप लोगों का सत्र स्टार्ट हो जाता है। अप्रैल, मई, जून, ठीक है, ये सब बीत गया, लेकिन बच्चे पढ़ना जुलाई से स्टार्ट करते हैं, इसलिए मैंने जुलाई मंथ लिया है। आपने जुलाई में पढ़ा कुछ या नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, अगर आपने पढ़ा है तो बहुत ही अच्छा है, आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हो। अगर नहीं पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपका जुलाई, अगस्त मंथ, सितंबर भी आपका, अक्टूबर और नवंबर, ये सारे मंथ बीत चुके हैं। अब आपके पास केवल बचा है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है, आप लोगों के पास बस इतना ही समय बचा है। और फरवरी आप लोग मत लो, फरवरी आप लोग मत लो, क्योंकि इसमें आप लोगों को जो आपका केवल थोड़े थोड़े पढ़ाई होगा, ठीक है, उसमें आपका जो मॉडल पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर, इन सबको सॉल्व करोगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखना, मैं प्रॉमिस करता हूं कि आप दिसंबर से भी पढ़कर आप 90% प्लस मार्क्स जरूर लाओगे, क्योंकि यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। और आप लोग एक बात याद रखना कि मौका सबको मिलता है, और अब की बार यह वीडियो जो देख रहे हैं उन बच्चों के लिए मौका है, ठीक है। यह मौका आप लोग अपने हाथ से मत जाने दो और आप लोग बस 5 मिनट तक ये वीडियो देखते रहो, ठीक है। तो आपके पास जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये सारे मंथ बीत चुके हैं। अब आपके पास 2 से 3 महीने बचे हैं और 2 से 3 महीनों में आप कैसे तैयारी करोगे, ये आप लोगों के लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सोचते हैं कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें, आखिर हम बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें ताकि हमें फुल मार्क्स मिले, ठीक है। देखो, लिखते सभी हैं, जितने भी बच्चे जाएंगे, लाखों, हजारों, करोड़ों बच्चे जाएंगे, सभी लिखेंगे, लेकिन सभी को फुल मार्क्स नहीं मिलता, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का एक सही तरीका होता है जो बहुत कम ही स्टूडेंट को पता होता है, और जिसको पता होता है उन्हें फुल मार्क्स मिलता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है, ठीक है। और जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, लॉन्ग क्वेश्चन आप जल्दी याद करने का ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, उनको आप ट्रिक के द्वारा कैसे याद कर सकते हो, एक ऐसा ट्रिक, एक ऐसा फार्मूला जिसे कह सकते हो, आप उसे अगर लगा दोगे तो फिर आपको वो हमेशा याद रहेगा, आप जिंदगी में नहीं भूलोगे, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम का पेपर कैसा आएगा, आपका जो बोर्ड एग्जाम 2023 का पेपर कैसा आएगा, सब कुछ आज इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। और हैंडराइटिंग कैसे सुधारें, अगर बच्चों की हैंडराइटिंग गड़बड़ है, खराब है, तो फिर आपका राइटिंग मतलब आपका नंबर कटेगा। और इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, अगर आपकी हैंडराइटिंग खराब है तो फिर आपका ठीक हो जाएगा एक ट्रिक से, और आप लोग वो ट्रिक लगाना, हैंडराइटिंग आपका बिल्कुल सही हो जाएगा और आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। अगर मान लो आपकी हैंडराइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, ठीक है, अच्छी नहीं है, तो भी आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप ऐसा लिखना बोर्ड एग्जाम में, फिर आपका कहीं नहीं नंबर जाएगा, ठीक है। और मान लो अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, वो अब 1 दिसंबर से पढ़ना शुरू करें होंगे, तो फिर उनके लिए बहुत ज्यादा सुनहरा मौका है और टॉपर आप भी रहोगे। और अगर आपने बहुत कुछ पढ़ा है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। तो ये सब अभी मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले आप ये समझो कि टॉपर क्या करते हैं और कैसे बने, ठीक है। मान लो आप
आपको टॉपर बनना है, तो टॉपर क्या करते हैं और हम कैसे बने सब कुछ बताऊंगा। टॉपर जो है आप भी बनोगे, आप भी बनेंगे, ठीक है, टॉपर आप भी बनेंगे। टॉपर एक आदमी होता है, एक बच्चा ही होता है, एक स्टूडेंट ही होता है, कोई भगवान नहीं होता है, ठीक है। तो टॉपर आप भी बनोगे। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, मान लो आप एनसीईआरटी बुक पढ़ते हो, तो बच्चा एनसीईआरटी बुक एक टॉपर भी पढ़ता है, ठीक है, एक टॉपर भी पढ़ता है, मतलब सेम बुक होता है। जो टॉपर का बुक होता है वही आपका भी बुक होता है, फर्क सिर्फ इतना है कि टॉपर 2 से 3 महीने में खत्म कर देता है, आप 12 महीने में भी नहीं खत्म कर पाते, बस इतना फर्क है, यह ध्यान रखना, ठीक है। एक साल में आप नहीं खत्म कर पाते हो, टॉपर एक साल में 2-3 बार रिवीजन कर लेता है उसी बुक का जो आपके पास है और टॉपर के पास भी है, ठीक है, क्योंकि उनको अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना है, उनको अच्छे अच्छे जॉब पर जाना है और आपको क्या करना है, इधर उधर टहलना है। अभी आपके पास समय है, अगर अभी भी आप टहल रहे हो तो आप पढ़ने के लिए बैठ जाओ, क्योंकि पढ़ाई कर लोगे तो फिर बाद में बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। आपके पास वही कॉपी है, वही सेम कॉपी है, और वही 2 हाथ है, वही 2 पैर है जो एक टॉपर के पास होता है, तो फिर आप कैसे नहीं बन सकते हो। सेम पेपर आपके पास है, वही पेपर एक टॉपर को भी दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करने के लिए, और वही पेपर आपको भी दिया जाएगा, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप केवल 20 नंबर करके आओगे 25 नंबर, और वो 70 नंबर 100 में 100 नंबर करके आएगा, ठीक है। एक बात याद रखना, मैं आपको एक सही बात बता रहा हूं, ठीक है। मान लो अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, इस समय आप नहीं पढ़ रहे हो, तो एक दिन जब आप सब्जी लगाओगे और जो बच्चा आपके साथ पढ़ रहा है, ठीक है, आपके साथ मन लगा के पढ़ रहा है और वो आईएएस बनके उस गाड़ी से उतरेगा, तो फिर आप सोचोगे काश मैं भी पढ़ लिया होता। उसे देखोगे तो कहोगे काश मैं भी पढ़ लिया होता, सर बिल्कुल सही बता रहे थे, ठीक है, तब याद करोगे। तो अभी आपके पास समय है, पढ़ लो, क्योंकि इन सब आप दुनिया को देखोगे तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे, इसमें बहुत सारे बवाल हैं, ठीक है। आप अपने लाइफ पर, अपने टारगेट पर फोकस करो। अगर आपका टारगेट है 90%, तो 90% का फोकस करो, उस तरह से तैयारी करो, ठीक है। तो ये सारी चीजें, एक बात याद रखना कि पढ़ने वाला ही कामयाब होता है, ठीक है, जो पढ़ता है वही कामयाब होता है। तो आप भी पढ़ो और आप भी कामयाब हो जाओगे। आपने आज से पढ़ना शुरू कर दिया 10 घंटे, तो फिर आप समझो अपने आप को कामयाब हो, ठीक है। एक टॉपर जब आप बैठे रहोगे तो एक टॉपर पढ़ रहा होगा अपने सपनों के लिए, अपने टॉपर बनने के लिए, ठीक है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, बैठे हो, तो बैठो मत, पढ़ाई करो। बैठने से क्या फायदा, बैठे रहोगे क्या फायदा, कुछ निकलेगा, कुछ नहीं। आप पढ़ोगे तो फिर कुछ ना कुछ तो आपको पता चलेगा, बोर्ड एग्जाम में लिख कर आओगे, ठीक है। तो ये होता है टॉपर बनने का सीक्रेट ट्रिक, ठीक है। और आप लोग एक बात याद रखना, मैंने क्या कहा कि एक गोल सेट कर लो, एक आपके पास गोल होना चाहिए, एक आपके पास लक्ष्य होना चाहिए कि हमें इस लक्ष्य के पीछे भागना है, हमें वहां जाना है, तो हमें ये टारगेट है कि हमें वहां पहुंचना है 15 मिनट में, हमें स्कूल जाना है, तो फिर हमारे पास एक टारगेट है कि हमें स्कूल तक 15 मिनट में जाना है। उसी प्रकार से जब आपके लाइफ में एक गोल रहेगा कि हमें 10th में या फिर 12th में 95% लाना है, तो फिर आप 95% ला सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आप एक सेट कर लो गोल, एक गोल सेट कर लो, एक टारगेट सेट कर लो, आपका 60% है, 70% है, तो ये तो बहुत छोटा सा टारगेट है, या आप लास्ट में पढ़कर ला सकते हो। लेकिन आपके पास अगर 80% 90% 95% गोल है, तो फिर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। 85% गोल है, तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करोगे, आप हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। अगर आप केवल हार्ड वर्क करोगे तो फिर आप सक्सेस नहीं होगे, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। अगर आप हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करोगे तो फिर आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता, आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे, ठीक है। मान लो आप लोग 80% लाए, ठीक है, तो इसमें आपने लास्ट में मेहनत किया। अगर आप शुरू से मेहनत करते आ रहे हो, तो आज से ऐसे पढ़ोगे तो 90% कहीं नहीं गया, ठीक है। और एक बात याद रखना, आज पढ़ाई कर लो वरना कल 200 में काम करोगे, ठीक है। अगर आज पढ़ाई नहीं करोगे तो कल 200 रुपए में काम करोगे, ये याद रखना आज की छोटी सी लाइन, क्योंकि आप नहीं पढ़ रहे हो तो ये लाइन याद रखना, कहीं लिख लेना माइंड में, जब आप करोगे तो याद करोगे, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना, एक गोल सेट कर लो, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करो। स्मार्ट वर्क कैसे किया जाता है अभी मैं आपको बताऊंगा, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहले बच्चे आप लोग तैयारी कैसे करोगे, जैसे आप लोग कैसे पढ़ोगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे केवल बुक खोल लेते हैं, ऐसे बुक है, और बुक को खोल लेंगे और क्या करेंगे, बढ़िया से बैठे
रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, कुछ खत्म भी नहीं हो रहा है, और आप कह रहे हो पापा पापा मैं पढ़ भी रहा हूं। तो फिर आप पढ़ रहे हो, लेकिन क्या पढ़ रहे हो? आपका कोई रिजल्ट निकल रहा है कि आप इतना चैप्टर पढ़े, इतना टॉपिक पढ़े, या ये सब्जेक्ट पढ़ लिया, या फार्मूला पढ़ लिया? केवल आप बुक खोलकर बैठे हो, दिखावा कर रहे हो कि हम पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आप सभी सब्जेक्ट का चैप्टर्स पढ़ो, सभी सब्जेक्ट का चैप्टर खत्म कर लो। मान लो आपका 10 चैप्टर आपका खत्म है, तो जो आपका साइंस में 2-3 चैप्टर बचा है उसको भी खत्म कर लो, क्योंकि अगर आप चैप्टर्स खत्म कर लोगे तो फिर आगे आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा, आगे आपका सारा टेंशन खत्म, क्योंकि चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चैप्टर जब आपने खत्म कर लिया तो चैप्टर्स को खत्म करने के बाद कुछ नहीं बचा। अब उसके बाद आपका स्मार्ट वर्क आता है। अभी तक आपने चैप्टर को खत्म करने के लिए हार्ड वर्क चाहिए, लेकिन अब आपको स्मार्ट वर्क लगाना है। ठीक है, क्योंकि हार्ड वर्क से ही केवल सफल नहीं हुआ जा सकता। ठीक है, हार्ड वर्क केवल लगाकर सफल नहीं हो जा सकता, अब आपको स्मार्ट वर्क लेना है। स्मार्ट वर्क मतलब जैसे आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है साइंस का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, या फिर आपका सोशल साइंस का चैप्टर फर्स्ट, ठीक है, या फिर मैथ का रियल नंबर है, ठीक है, वास्तविक संख्या है, ठीक है, कुछ भी हो उसका आप एक नोट्स बनाओ। वो तो आप बना ही लोगे, जब चैप्टर पढ़ोगे तो वैसे भी आप बना लोगे। नोट्स की नहीं बनाओगे, चैप्टर फर्स्ट आपने पढ़ा तो उसका नोट्स बनाओगे ना, तो बना लोगे तो चलो ये सही है। फिर आपको उस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक अलग नोट्स बनाना है। ध्यान से देखो, थोड़ा सा मेहनत करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपके लिए आया है, बोर्ड एग्जाम आपके लिए आया है। ठीक है, आपको दिखाना है कुछ, तो फिर मेहनत करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट मतलब हर संडे को आप अपना खुद से टेस्ट लो एक कॉपी में छोटा सा, फिर आप देखो बोर्ड एग्जाम में कैसे आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। नोट्स भी बनाओगे, चैप्टर टू चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस सेट भी करोगे, तो कहां नंबर आपका चला जाएगा, सारा आपके पास रहेगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इक्वल टू बोर्ड एग्जाम का पेपर, अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक चैप्टर का सॉल्व कर लोगे तो बोर्ड एग्जाम का पेपर समझ लो आपके हाथ में, चुटकियों में आप सॉल्व कर लोगे। बोर्ड एग्जाम का पेपर आपके सामने आएगा, कहोगे ये तो यार कुछ है ही नहीं इसमें, तो बिल्कुल हलवा है, अभी मैं आपको खत्म करके चला जाऊंगा। ठीक है, ऐसा करो कि याद करो, ठीक है, कि ये मैंने पढ़ा था। अब देखो बच्चों, सबसे पहले आप टॉपर कैसे बनोगे, आप टॉपर कैसे बनोगे ये भी जानना जरूरी है। आप टॉपर कैसे बनोगे, आपने चैप्टर खत्म कर दिया, नोट्स बना लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक चैप्टर का पढ़ लिया, फिर भी अभी कुछ चीजें जरूरी है जो आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, जैसे आपका 3 साल का पेपर, 3 साल का पेपर एक टॉपर जरूर सॉल्व करता है, क्योंकि ये चीज में आपका हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवीजन होता है, रिवाइज होता रहता है, आता रहता है, बार बार वही क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ऐसे पता चलता है कि ये 2 साल आया है लगातार, तो 3रा साल भी आएगा, कोई नहीं रोक सकता। तो ये 3 साल का पेपर आप जरूर सॉल्व करो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज से मैंने बता रखा कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को चैप्टर वाइज सॉल्व करो। ठीक है, चैप्टर वाइज आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताया हूं। और मॉडल पेपर हल करो, जो बोर्ड एग्जाम ने जारी किया है वो मॉडल पेपर हल करो। कि बोर्ड एग्जाम ने अगर मॉडल पेपर जारी किया है, कुछ सोच समझ कर जारी किया है कि यहां से आपके 20 से 25 नंबर आएंगे ही आएंगे, तो इसलिए बोर्ड एग्जाम ने जारी किया है। ठीक है, तो मॉडल पेपर सॉल्व करो और सभी सब्जेक्ट का नोट्स बनाओ बच्चा, सभी सब्जेक्ट का, आज सब्जेक्ट का आप नोट्स बनाओ। आज देखो शॉर्ट नोट्स, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, एक शॉर्ट नोट्स होता है कि हर एक चैप्टर का आप छोटा छोटा जितने भी टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है उसको लिख डालो, जितने भी आपके चैप्टर्स के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो लिख डालो, पूरे आपके जैसे शॉर्ट नोट्स होता है कि थोड़े में आपका खत्म हो जाएगा। और आल फार्मूला, आल आल फार्मूला, आल सब्जेक्ट, आपका मैथ के जितने भी फार्मूला है, साइंस के जितने भी फार्मूला है, सारे लिख लिख कर आप याद करो, क्योंकि फार्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बैंक जरूर पढ़ो, क्वेश्चन बैंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, केवल क्वेश्चन बैंक से ही पढ़कर आप 90% ला सकते हो, यह ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बैंक। ठीक है, अब आप लोग ये करना बंद कर दो, इनका कम से कम उपयोग करो। क्या आप लोग इंस्टाग्राम का कम से कम उपयोग करो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम नजदीक है, ये काम नहीं आएगा आगे चलकर जब आप फेल हो जाओगे। शॉर्ट वीडियोज का कम उपयोग करो, फेसबुक का, व्हाट्सएप का, इन सबको आप कुछ दिन के लिए आप बंद कर दो और आप लोग केवल पढ़ाई में जुट जाओ। ठीक है, अब बात यह आती है कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, इस पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, जाके देख लेना। बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, भाई श्रवण लेक्चरर, लॉन्ग क्वेश्चन कैसे याद करें, लॉन्ग क्वेश्चन याद करने के लिए आप एक जैसे बगल में नोट्स रखो, ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन आप लॉन्ग याद करो तो लिख लिख कर याद करो, लिख लिख कर याद करोगे तो जिंदगी भी नहीं भूलोगे। बोर्ड एग्जाम का पेपर कैसा आएगा, बोर्ड एग्जाम ने मॉडल पेपर जारी किया है, वैसे ही बोर्ड एग्जाम का पेपर आएगा। ठीक है, फिर भी मैं आपको अलग अलग सब्जेक्ट का
पेपर बना दूंगा अच्छे से, ठीक है। और अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो ऐसे आप तैयारी करो, हैंडराइटिंग कैसे सुधारें, बस आपका कल संडे को एक वीडियो आएगा और टॉपर आप बनोगे अगर ऐसे तैयारी करोगे। तो ऐसे ही आप भी दिसंबर से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करके बोर्ड एग्जाम का टॉपर बन सकते हो, ठीक है। ऐसे ही आप दिसंबर की बोर्ड एग्जाम की तैयारी करो, दिसंबर से बोर्ड एग्जाम का टॉपर बनोगे। ये वीडियो पसंद आया हो एक लाइक करना, अगर थोड़ी सी भी सीख मिली हो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, अगर वो भी बैठे हैं तो पढ़ना शुरू कर दे, चैनल पर या तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।